वेबसाइट पे गूगल एडसेंस का ऐड कब लगाना चाहिए और वेबसाइट पे गूगल एडसेंस का ऐड लगाते हैं तो वो ब्लैंक क्यों आने लगता है, इसका रीज़न मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो आज बहुत खास होने वाला है, तो इस वीडियो के पास बैठे रहें और देखते रहें इस वीडियो को ताकि आपको समझ में आए कि ऐसा क्यों होता है और एडसेंस आपको अपने वेबसाइट के लिए कब अप्लाई करना चाहिए या अपने वेबसाइट पे एडसेंस या कोई अदर एड कोड कब लगाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पंडा नेटवर्क। दोस्तों वेब डेवलपमेंट क्षेत्र में आने के बाद हर नए वेब डेवलपर की एक ही ख्वाहिश होती है कि जल्दी से जल्दी मेरा वेबसाइट फास्टली ग्रो कर जाए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने लगूं। हर किसी की यही चाहत होती है लेकिन कोई पैशन के साथ काम ही नहीं करता। दोस्तों आपको पैसा चाहिए, आपको अपने वेबसाइट को आगे बढ़ाना है, आपके बहुत सारे सपने होंगे लेकिन क्या सपने एक दिन में पूरे होते हैं? नहीं, लेकिन हम लोग उतावले हो जाते हैं। तो अगर आप उतावले होगे, अगर आप में धैर्य नहीं होगा तो आप कहाँ से आगे बढ़ोगे? दोस्तों आज के बाद जो भी वेबसाइट का वीडियो डलेगा वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, तो छोड़ के मत जाना। और एक चीज़ और मैं समझा दूँ कि वेबसाइट अगर आप स्टार्ट करने वाले हो तो इसके बारे में पहले फुल नॉलेज ले लो। दोस्तों मैं मानता हूँ कि आपने बहुत सारी वेबसाइट चलाई होगी, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे लेकिन आपका वेबसाइट ग्रो नहीं कर रहा होगा। लेकिन अब से जो भी मैं वीडियो डालूँगा उसको देखने के बाद 100% मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपका वेबसाइट ग्रो करेगा अगर आप धैर्य बना के काम करो तो। और हाँ, वेब डेवलपमेंट एक दिन की जर्नी नहीं है, इसमें हो सकता है कि आपकी वेबसाइट को आगे बढ़ाने में 6 महीने लग जाएँ या 3 महीने लग जाएँ, तो आपको पेशेंस रखना है और टाइम देना है सर। अगर आप टाइम दोगे नहीं और आप चाहोगे कि मेरी वेबसाइट 1 से 2 दिन में कुछ मेडिकल हो जाए, कुछ बड़ा हो जाए, तो नहीं होने वाला। फिर तो आपको वेबसाइट बनाना ही छोड़ देना चाहिए, नहीं तो आप ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस देखते रहोगे, होगा कुछ नहीं। जिन लोगों के हुए हैं वो आपको रियल चीज़ बताएंगे नहीं और आप ऐसे ही फ्रस्ट्रेट होते रहोगे। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कि गूगल एडसेंस का एड कोड कब लगाना चाहिए। दोस्तों जब भी आप वेबसाइट बनाते हो तो आप सोचते हो कि जल्दी से जल्दी मैं अपने वेबसाइट को गूगल में ऐड करूँ और एड कोड लगा दूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा सोचना ही नहीं है। सबसे पहले अपनी वेबसाइट का स्पेशलिटी अपने डायरी में नोट करना है कि मुझे अपने वेबसाइट पे कौन कौन से टॉपिक रखने हैं जो कि यूनिक हो और जिसका कीवर्ड सर्च रैंक बहुत ज़्यादा हो। कीवर्ड सर्च रैंक कैसे देखा जाता है इसके लिए मैं एक नया वीडियो बना दूंगा जिसमें आप समझ जाओगे कि किस कीवर्ड पे कितना ट्रैफिक है। वैसे आपने बहुत सारे और भी वीडियोज़ देखे होंगे इस मैटर में लेकिन मैं जो बनाऊँगा उसमें कुछ यूनिक चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। तो कीवर्ड सर्च रैंक आपको देख लेना है, क्या सर्च है, कितने कंपटीशन है, क्या है नहीं, ये सब देख लेना है, ठीक है। और टॉप के कुछ कीवर्ड्स सेलेक्ट कर लेने हैं। वेबसाइट बनाना है, वेबसाइट को फुल डिज़ाइन करना है, अच्छे से डिज़ाइन करना है, अभी भी आपको इसे गूगल में ऐड नहीं करना है। अब इसमें पोस्ट जो आप डालोगे या जो भी आपके कंटेंट्स हैं वो आप जो डालोगे अपने कंटेंट्स को कम से कम ज़्यादा रखें। ये नहीं कि आपने आज वेबसाइट बनाया आज ही जाके गूगल में ऐड कर दिया, इससे कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले आप अपने वेबसाइट के कंटेंट पे फोकस करो। वेबसाइट पे कंटेंट आपने भर दिया, मान लो आपने 30 से 40 पोस्ट कर दिया अपनी वेबसाइट पे, 30 से 40 पोस्ट करने के बाद आपको अपने वेबसाइट को गूगल में ऐड करना है। अब जितने भी आपने पोस्ट किया है उसका बैकलिंक बनाना है, जी हाँ, बैकलिंक बनाने का तरीका भी मैं बताऊँगा और सारे फेक तरीके जो भी आपको नेट पर मिले हैं उससे कुछ यूनिक बताऊँगा, तो आपको थोड़ा पेशेंस तो रखना ही होगा, पहले से मैं कह रहा हूँ। तो दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ जाए, इस बात को अंडरलाइन कर लें, जब आपकी वेबसाइट पे 2000 या 4000 की ट्रैफिक आ जाए तब आपको अप्लाई करना है गूगल एडसेंस के लिए। ये नहीं कि 100 यूज़र आए नहीं, 100 व्यूअर्स आए नहीं, 100 पेज व्यू हुआ नहीं कि धड़ाधड़ लगाए जा रहे हैं गूगल एडसेंस का एड कोड, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको पहले अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक गेन करना है। ट्रैफिक जैसे ही आपके 2000 से ज़्यादा या 2000 तक भी आ जाते हैं तब आप अपने वेबसाइट में एडसेंस लगा सकते हैं, उससे पहले नहीं लगाना है आपको। तो ट्रैफिक कैसे आएगा उसकी भी नॉलेज मैं आपको फुल दूंगा। दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, अक्सर कहते हैं कि सर मेरी वेबसाइट पर एड कोड तो मैं लगा रहा हूँ लेकिन वहाँ ब्लैंक आ रहा है। इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, एक रीज़न नहीं है, तो इसके और भी रीज़न्स मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बताए भी है लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि कोई आपके वेबसाइट पे ऐड क्यों डालेगा जब तक उसके सेल्स ग्रो नहीं हो।
है कि नहीं। मान लो अगर आप कोई दुकान खोले हो, मुझे अपना प्रोडक्ट आपसे प्रचार करवाना है, ठीक है, और मैं एक नया बिजनेसमैन हूँ, तो मैं आपके दुकान में क्यों दूँ, है ना, आपके दुकान में अपना प्रोडक्ट क्यों दूँ। जब तक आपके दुकान में ज़्यादा ग्राहक नहीं आते, आपका दुकान एक सही जगह पे नहीं होता, एक सही लेवल में नहीं होता, मैं अपना प्रोडक्ट क्यों प्रचार कराऊंगा आपसे, है ना। तो दोस्तों इसीलिए आपने जो अपना वेबसाइट बनाया है ना, पहले उसे आगे बढ़ाने की सोचो। जी हाँ, पहले उस पर ट्रैफिक लाने की सोचो। जैसे जैसे ट्रैफिक आती जाएंगी, जैसे जैसे आपके वेबसाइट की क्वालिटी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपको पैसे कमाने का ज़रिया खुलता जाएगा। आपने सिर्फ वेबसाइट बनाना सीख लिया तो कुछ नहीं होता उससे। वेबसाइट बनाना बहुत लोगों को आता है, लेकिन वेबसाइट को चलाना, उसे आगे बढ़ाना सबको नहीं आता। इसीलिए मैं आपको ये टिप्स दे रहा हूँ कि सबसे पहले ट्रैफिक पे और अपने वेबसाइट के डिज़ाइनिंग पे और अपने वेबसाइट के कंटेंट पे फोकस करें। इतना फोकस अगर आप कर लेते हो तो आपकी वेबसाइट 100% आगे जा सकती है, कोई नहीं रोक सकता आपको। और दोस्तों मैंने इधर बहुत सारा रिसर्च किया है और मैंने अपनी एक वेबसाइट को रैंक भी करवाया है, उसके बाद मैं ये टिप्स आपको दे रहा हूँ, क्योंकि पहले की तरह जो भी वीडियोस आप मेरे देखते थे वैसा बिल्कुल नहीं है। हर चीज़ चेंज हो गया है, हर तरीका वेबसाइट पे जो भी ट्रैफिक लाना है, कंटेंट डालना है, हर चीज़ का तरीका चेंज हो गया है। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, वीडियोज़ को कंटिन्यूसली देखना होगा, फॉलो करना होगा, तब आपके वेबसाइट को रैंक मिलेगी और आपका वेबसाइट भी ग्रो कर पाएगा। और हाँ, एक बात और दोस्तों, ये बात हमेशा आपको याद रखना है कि पहले आपको अपनी वेबसाइट, वेबसाइट के कंटेंट और उसके ट्रैफिक पे पूरा फोकस करना है, ठीक है। जब इतना हो जाए उसके बाद एडसेंस के बारे में सोचना है। तो दोस्तों अभी आप बिल्कुल ना सोचें एडसेंस के बारे में। और ट्रैफिक, ट्रैफिक हमेशा गूगल से आनी चाहिए, ये नहीं कि किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट में जाके लगा के ट्रैफिक लेते जा रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए होता है कि आपकी वेबसाइट का रैंक हो गूगल पे, ठीक है। तो चलिए, आई थिंक आपको ये वीडियो से कुछ हेल्प मिला हो, और ये वेब डेवलपमेंट वीडियो का फर्स्ट पार्ट समझ लो, क्योंकि मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको सारी वीडियोज़ मिलती रहेंगी, तो वीडियोज़ देखना ना भूलें। और अगर वीडियो ये वाला पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने कमेंट्स भी ज़रूर दें और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।